योगी जी के चेहरे पे तो वोट दिया ही जाएगा। और मेसा ये मेयर हमारी जो आशा शर्मा जी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है और डोर टू डोर वो आती है, सर्विस देती है, ऐसा नहीं है। रोड की व्यवस्था बहुत अच्छी है, नगर निगम की प्रणाली भी बहुत अच्छी है। डोर टू डोर कूड़ा उठवाया जाता है, स्वीपर आता है और बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। तो किसी प्रकार की यहाँ पर किसी भी नागरिक को परेशानी नहीं है। जो ये जो नगर निगम के या फिर जो छोटे चुनाव होते हैं, इसमें लोकल समस्याएं होती हैं लोकबाग के पास, जिसके लिए पहली समस्या ये है कि जैसे जो समस्या होती है लोगों के पास, वो बिजली, पानी, सड़क की, ये सब जो बेसिक समस्या है, जिसको मेरा मानना है कि मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने, इसने दोनों ने बढ़ चढ़ कर और बहुत ही शानदार तरीके से इसको सुलझाया है। और इसको इसका सलूशन ये है कि आप ये देखिए, नगर निगम की गाड़ी रोज़ सुबह को कूड़ा उठाने आती है। भाजपा के अलावा आप तो क्या लग रहा है कि योगी के नाम पर भी वोट डलेंगे क्या यूपी में? बिल्कुल डलने चाहिए। बिल्कुल डलने चाहिए, और विकल्प क्या है? कोई विकल्प ही नहीं है। कोई विकल्प नहीं है। क्यों? अखिलेश यादव है, मायावती है, आम आदमी पार्टी है। देखिए, आम आदमी पार्टी भी मेयर उतारेगी। नहीं, तो क्या कोई बहुत बढ़िया शासन है क्या उनका? हाँ, क्या बढ़िया शासन? आपके बिल्कुल बगल में दिल्ली है, कह रहे हैं दिल्ली को लंदन बना दिया केजरीवाल ने। आप दिल्ली गए नहीं हो क्या? आप दिल्ली गए हो या नहीं गए हो? आप खुद बताओ, आपको लगता है क्या लंदन बन गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र, मेरा नाम है विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए भी राजनीतिक दल लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, यानी कि नेता जो मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, नेता जो नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, वो नेता जो ग्राम पंचायत यानी कि प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, वो सभी नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन हम भी जनता के बीच पहुंचे हैं कि आखिर इस बार जनता के जो मुद्दे हैं वो क्या होंगे। इस बार मैं गाजियाबाद में मौजूद हूँ। गाजियाबाद की जो मेयर भारतीय जनता पार्टी की बनेंगे या फिर अब की बार मेयर की सीट गाजियाबाद की कोई और ले बैठेगा? सर, क्या लग रहा है इस बार गाजियाबाद में मेयर सीट किस पे जाने वाली है? मेयर सीट हमेशा भारतीय जनता पार्टी की, जो भी मेयर खड़ी होगी उन्हीं को मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और किसी का यहाँ पर कैंडिडेट जीतने की अवस्था में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, योगी जी ने विकास की राजनीति की है और यहाँ से जितने भी गुंडे किस्म के आदमी थे उनको बिल्कुल बंद कराया और उनको सजा दी गई है। तो कानून व्यवस्था बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, निर्विरोध आएगी। नहीं, आपको लगता है कि सिर्फ योगी के नाम से ही इस बार मेयर के लिए भी चुनाव में वोट डाले जाएंगे या फिर जो क्षेत्रीय व्यवस्था है, क्षेत्रीय जो समस्या है उसका ध्यान रखा जाएगा या फिर योगी के चेहरे पर ही वोट दिया जाएगा? योगी जी के चेहरे पर तो वोट दिया ही जाएगा। और मेसा ये मेयर हमारी जो आशा शर्मा जी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है और डोर टू डोर वो आती है, सर्विस देती है, ऐसा नहीं है। रोड की व्यवस्था बहुत अच्छी है, नगर निगम की प्रणाली भी बहुत अच्छी है। डोर टू डोर कूड़ा उठवाया जाता है, स्वीपर आता है और बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। तो किसी प्रकार की यहाँ पर किसी भी नागरिक को परेशानी नहीं है। क्या कहेंगे सर, मेयर अब की बार गाजियाबाद में किसी और पार्टी का या भाजपा फिर से मोर्चा मारेगी? सर, ये तो बिल्कुल क्लियर है, पहले से ही मेयर की जो सीट है वो बीजेपी की रही है और अब की बार भी बीजेपी की ही सीट रहने वाली है। और अब तक जो हमारी मेयर थी वो बहुत अच्छा कार्य कर रही थी। और सबसे बड़ी चीज़ है, कुछ मेयर का चेहरा और कुछ हमारे बाबा का चेहरा, दोनों बिल्कुल क्लियर ही यहाँ पे जीत का वो होता है। मानते हैं कि जीत का जादू योगी जी के नाम पर होगा? जी बिल्कुल, बाबा के बिना तो यहाँ उत्तर प्रदेश में मैं तो नहीं मानता कि यहाँ पे मोदी जी को वोट अभी मिल रही है। यहाँ तो मेन जो नाम है, मेन जो चेहरा है वो बाबा का है, बाबा योगी आदित्यनाथ जी के ही चेहरे पर वोट मिलती है। यानी योगी जी के चेहरे पर ही मेयर में भी? जी बिल्कुल, बीजेपी का छोटा इलेक्शन हो या बड़ा इलेक्शन हो, उत्तर प्रदेश में बाबा सबसे पहले। चलिए सीधा और लोगों से बातचीत करते हैं। सर, गाजियाबाद के रहने वाले हैं? नहीं, मैं गाजियाबाद के रहने वाले, बुलंदशहर के रहने वाले। तो यहाँ व्यापार है, ऑफिस है क्या? मेरा ऑफिस है यहाँ। अच्छा, क्या लगता है यहाँ की जो मेयर सीट है, इस मेयर सीट को कैसे देख रहे हैं आपकी बार यहाँ के लोग? देखिए, आसपास भी यहाँ पर भी जैसा कि विधानसभा भी भाजपा के पास है, यहाँ के सांसद भी भाजपा से हैं, यहाँ के आसपास का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का परचम जो है वो भाजपा के पास ही है। और इसमें भाजपा को ही देखते हैं हम कि यहाँ महापौर का इलेक्शन है या फिर नगर पालिका का या नगर निगम का जो इलेक्शन है उसमें भाजपा ही परचम लहराई।
ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपकी बार तो समाजवादी पार्टी भी सामने खड़ी हुई है, बसपा से भी चेहरा है सामने, ऐसा क्यों लग रहा है कि भाजपा फिर से मेयर अपना बना लेगी? इसलिए बना लेगी क्योंकि जो ये जो नगर निगम के या फिर जो छोटे चुनाव होते हैं इसमें लोकल समस्याएं होती हैं लोग बागों के पास, जिसके लिए पहली समस्या ये है कि जैसे जो समस्या होती है लोगों के पास वो बिजली, पानी, सड़क की, ये सब जो बेसिक समस्या है, जिसको मेरा मानना है कि मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने, इसने दोनों ने बढ़ चढ़ कर और बहुत ही शानदार तरीके से इसको सुलझाया है। और इसको इसका सलूशन ये है कि आप ये देखिए, नगर निगम की गाड़ी रोज़ सुबह को कूड़ा उठाने आती है, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप साफ़ सफाई देखिए, लगातार झाड़ू लगती है और ये सब जो भी है कचरा वचरा सबके लिए डस्टबिन वगैरह और ये सबकी व्यवस्था करी गई है, तो ये काफ़ी अद्भुत काम किया है हमारी सरकार ने। तो लगता है कि मेयर भाजपा का, सर क्या नाम है आपका, गाजियाबाद रहते हैं? हाँ, सामने सोसाइटी में। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार जो मेयर का इलेक्शन हो रहा है, महापौर का आपका इलेक्शन हो रहा है, क्या लगता है कि भाजपा फिर से मेयर अपना बना पाएगी यहाँ पर, आपकी बार भाजपा से बनाएगी? भाजपा ही आएगी भाई साहब। अच्छा, ऐसा क्या जादू है क्या भाजपा में कोई? भैया काम हो रहे हैं और क्या है, हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं अपन तो। अच्छा, हाँ, हिंदू के लिए सब कुछ समर्पित है। तो मेयर चुनाव में भी हिंदू राष्ट्र देखेंगे? हाँ हाँ, सब में देखेंगे। पहले तो वही लोग आएंगे बेचारे, हाँ। जो पास में वही लोग तो आएंगे, हाँ। एमएलए एमपी तो उसके बाद आएंगे, वो भी हिंदू ही होना चाहिए, हाँ। तो हिंदू तो समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, हिंदू तो बसपा भी है, मायावती भी हिंदू है, हमारी पार्टी तो बीजेपी हिंदुओं की है ना। अच्छा, हाँ, यानी आप मान रहे हैं बीजेपी हिंदुओं की पार्टी? हाँ, मान रहे हम तो है ही, खुद ही कट्टर। अच्छा जी, भाई साहब आप बताइए क्या होगा इस बार गाजियाबाद की इस मेयर सीट पे? मेयर सीट पे बीजेपी जीतेगी जी। बीजेपी? हाँ जी। सबने क्या रणनीति बना ली? नहीं सर, काम यहाँ जो जिस हिसाब से काम दे रहे, काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सफाई हो रही है, सब कुछ हो रही है, पहले से बहुत तरक्की है। अच्छा, हाँ जी। तो लग रहा है भाजपा ही हो, कोई और नहीं? नहीं जी, और कोई एक नहीं। बार किसी और को मौका दे? नहीं नहीं, किसी और को नहीं, किसी को मौका नहीं देंगे, बीजेपी को। अच्छा भाई साहब, आप भी गाजियाबाद रहते हैं? हाँ, यहीं रहता हूँ। यही रहते हैं, क्या है इस बार मेयर सीट को लेकर यहाँ का क्या लोगों का रुझान है? देखो जी, हमने तो उस जमाने में तक भाजपा को वोट दिया जब दो सीटें आती थी भाजपा की कभी। अच्छा, ठीक है ना, मतलब आज तक हमने भाजपा के अलावा किसी को वोट ही नहीं दिया है, फ्रेंकली बताऊं तो। हम तो वैसे ही कट्टर है। अच्छा, किसी को वोट ही नहीं दिया? दूसरे किसी को वोट ही नहीं दिया आज तक। अच्छा, भाजपा के अलावा। अब क्या लग रहा है कि योगी के नाम पर भी वोट डलेंगे क्या यूपी? बिल्कुल डलने चाहिए, बिल्कुल चलने चाहिए। और विकल्प क्या है? कोई विकल्प ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। क्यों? अखिलेश यादव है, मायावती है, आम आदमी पार्टी है, देखिए आम आदमी पार्टी भी मेयर उतारेगी। नहीं नहीं, तो क्या कोई बहुत बढ़िया शासन है क्या उनका? क्या बढ़िया शासन? आपके बिल्कुल बगल में दिल्ली है, कह रहे हैं दिल्ली को लंदन बना दिया केजरीवाल ने। आप दिल्ली गए नहीं हो क्या? आप दिल्ली गए हो या नहीं गए हो? आप खुद बताओ, आपको लगता है क्या लंदन बन गया? बनाया नहीं है आपको, जो लंदन में हुआ करता है एक के संग एक फ्री, दिल्ली में थी कि नहीं थी? हमने लंदन तो नहीं देखा है, ठीक है, हमने दिल्ली देखा है, वो लंदन जैसा नहीं हो सकता, या लंदन दिल्ली जैसा नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है, तो हमें तो नहीं लगता कहीं कि लंदन जैसा दिल्ली हो गया होगा। अच्छा भाई साहब, आपकी क्या राय है? कह रहे हैं तो फेंकार है मामला, भाजपा को ही जिताएंगे, आपकी क्या राय? भाजपा ही जीतेगी हर तरह से, इतना बढ़िया शासन चल रहा है और क्या चाहिए। अच्छा, फर्स्ट क्लास, कहीं भी शासन प्रशासन हर जगह जो कुछ भी है सब कुछ बढ़िया चला रहा है। और केजरीवाल ने कहा क्या कर क्या रहा है, और दिल्ली का डेवलपमेंट देख लो, यहाँ का देख लो, और हमारे गुप्ता जी को देख लो। अच्छा, लग रहा है कि इस बार भी जो यूपी का मेयर है यहाँ पर गाजियाबाद सीट का, क्या इस बार योगी के नाम पर वोट डलेंगे, ऐसा क्या लगता है? योगी और मोदी दोनों के नाम पर डलेंगे, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, और आप बाकी आप ही देख रहे हो, सब लोग देख रहे हैं कि कहीं कोई व्यवस्था में दिक्कत हो तो बताइए। सिर्फ यहाँ पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आएगी और कोई पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता, आप आपकी क्या विचार है? जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। एक बार मौका किसी और को दे लो। नहीं नहीं, सवारी नहीं है और किसी का कोई है नहीं फोकस में। फोकस में है, मैं नाम गिनवाऊँ आपको? मैं गिनवाता हूँ आपको, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। अंदर जाने के लिए तैयार बैठे, लाइन में है ये सब, सब लाइन में है।
बाहर कोई नहीं रहेगा अब। अच्छा हाँ, केजरीवाल जी कह रहे हैं हमसे कट्टर ईमानदार नेता नहीं है कोई, अपने आप दिख रहे हैं। क्या कह रहे भैया? एक ही नारा एक ही नाम, हमारा है जय श्री राम और भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान। कमल निशान तो कोई भूल नहीं करना, सिर्फ कमल के फूल को खिलाना और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। कह रहे एक बार कट्टर कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल को गाजियाबाद में लेकर, केजरीवाल जैसा चोर उचक्का आदमी आईपीएस होने के बाद भी इतना दोगला, वो मौका प्रस्त आदमी है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और केजरीवाल ने कुनवा जोड़ा। क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, केजरीवाल जैसा तो चोर आदमी है ही नहीं कहीं। मैं कहता कुछ और है, उसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, आधी दिल्ली को शराबी बना दिया, शराब फ्री में बटवा बटवा के और सारी एक्साइज के पैसे खा गया। मनोज सिसोदिया उप मुख्यमंत्री उसका जेल में पड़ा हुआ है। अब केजरीवाल की बारी है, केजरीवाल जाए। और जब ये केजरीवाल जी एक बार जिन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था, यहीं से अपनी गाड़ी लेके भाग गए थे, नहीं तो उनको जूतों की माला में यहीं पे पहना था। भारतीय जनता पार्टी, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जनता जनार्दन से बीच ग्राउंड में जाने निकला हूँ कि मेयर अब की बार किस पार्टी का बनेगा, मेयर अब की बार क्या बहुजन समाजवादी पार्टी, क्या समाजवादी पार्टी, क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी, या फिर भाजपा का मेयर दोबारा से गाजियाबाद में रिपीट होगा। देखिए सीधी सी बात है, सक्षम मेयर को चुनना चाहिए, मेरा किसी विशेष पार्टी के साथ कोई ऐसा लगाव नहीं है, लेकिन मैं जो भी चाहूंगा बस यही चाहूंगा कि जनता के हित में कोई भी मेयर आए और वो किसी भी पार्टी का हो मुझे स्वीकार है, लेकिन वो सक्षम हो, धरती पे रह के काम करे। आकाश की तरफ देखने से अच्छा है कि पांव कहाँ ठहरी हुई है उससे देखे, बेसिक्स पे ध्यान दे और जनता के हित में काम करे। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जिनके पांव जमी से जुड़े रहें, जो आसमान की तरफ मेयर बनके ना देखें, ऐसे मेयर को हम चुनना चाहते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि इस बार गाजियाबाद की सीट पर किसका कब्जा रहेगा, क्या मेयर फिर से गाजियाबाद में भाजपा पार्टी का रहेगा, या अबकी बार भाजपा को हरा के यहां से अबकी बार दूसरी कोई पार्टी अपना मेयर यहां पर बना देगी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो में अपनी राय रखिए और लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए। चुनाव की एक एक खबर, चाहे वो गाजियाबाद मेयर की हो, चाहे वो नगर पालिका परिषद खोड़ा की हो, चाहे वो नगर पालिका लोनी की हो, चाहे वो नगर पालिका दादरी की हो, एक एक खबर आपको दिखाएंगे चुनाव से जुड़ी हुई। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन तुषार शर्मा के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद।